माई डियर फैमिली मेंबर्स, आज की एक जो बड़ी खबर मैं ब्रेकआउट करके ला रहा हूँ दोस्तों, वो है संजू से रिलेटेड। राजकुमार हिरानी साहब की एक फिल्म आ रही है जिसका नाम है संजू, जिसमें है रणबीर कपूर संजय दत्त के किरदार में। इस फिल्म के अंदर आपको बहुत सारे अलग अलग सितारे भी नजर आएंगे, जैसे कि मनीषा कोइराला जी, हमारे दिया मिर्जा, विकी कौशल और बहुत सारे जिम सार एंड परेश रावल साहब, बहुत सारे कलाकार हैं। ठीक है, अब दोस्तों इसकी सबसे बड़ी जो बात पता चली है मुझे, वो है अजय देवगन साहब की। क्या आप जानते हैं ये फिल्म जो पहले है अजय देवगन के पास भी ऑफर हुई थी। जी हाँ, इसमें बहुत सारे फैमिली मेंबर्स हैं। तो ऐसे में संजय दत्त के पिताजी यानी कि सुनील दत्त के कैरेक्टर के लिए राजकुमार हिरानी साहब ने अजय देवगन जी को पहले अप्रोच किया था। उन्होंने स्क्रिप्ट भी भेजी और अजय देवगन साहब ने स्क्रिप्ट के लिए टाइम भी मांगा था कि आप मुझे थोड़ा सा वक्त दें, लेकिन राजकुमार हिरानी ने उसके बाद स्क्रिप्ट में कुछ ऐसे चेंजेस कर दिए कि जो उम्र का फासला है वो बढ़ा दिया। तो इसके लिए कास्ट हो गए दोस्तों कौन, परेश रावल साहब। राजकुमार हिरानी के साथ अजय देवगन साहब काम करते तो ये दोनों का पहला कोलैबोरेशन होता और रणबीर कपूर और अजय देवगन दोनों बाप बेटी की जो केमिस्ट्री है हमें देखने में अच्छी लगती। हालांकि इससे पहले राजनीति में दोनों साथ दिख चुके हैं और फ्यूचर में 2019 में एक शूटिंग वो करेंगे लव रंजन की फिल्म में, जो कि लाइट हार्टेड फिल्म होगी। इसमें हमें दोनों की जोड़ी दिखाई देगी। आप मुझे बताइए कि अजय देवगन साहब अगर ये फिल्म करते और वो सुनील दत्त साहब के कैरेक्टर में अपने आप को प्रेजेंट करते तो कितना ज्यादा मजा आता। कमेंट सेक्शन आपका है, मुझे जरूर बताइए। एंड ये भी मुझे बताइए कि 29 जून को जो फिल्म आ रही है संजो, उसके लिए आप कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं। कमेंट सेक्शन आपका, अपने फिल्मी यारा को जरूर बताना बॉस, भूलना जाना, ठीक है। एंड फॉर मोर इसी तरीके की चटपटी अपडेट्स के लिए वॉच चैनल फिल्मी यारा विथ मी राहुल भोज।